हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल पीके में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एल्टीट्यूड इंग्लिश प्रैक्टिस सेट में प्रोस्पाइस, और जो कि आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि प्रोस्पाइस पर डालिए, से प्रोस्पाइस पर क्वेश्चंस बनाइए। तो फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा कि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो हैं, लेकिन किसी में भी क्वेश्चन आंसर नहीं है प्रोस्पाइस के लिए, और इवन यहाँ तक कि बुक में भी कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं है। लेकिन तो फ्रेंड्स, हमारे जो प्रश्न हैं कुछ सेल्फ से क्रिएट किए गए हैं थ्योरी को पढ़ने के बाद में, और कुछ जो बुक से हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बताऊँगा बुक के जो क्वेश्चन हैं जो प्रकाश की बुक में, उनसे मैं ज़्यादा प्रभावित नहीं हूँ, क्योंकि उस बुक्स के अंदर जो है या तो कविता की जो पोएम्स हैं हमारी, या जो थ्योरीज हैं उसकी सेम टू सेम लाइंस को उठाकर रख दिया गया है, या ज़्यादातर क्वेश्चन जो है राइटर के जो प्रीवियस वर्क है उससे संबंधित है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि राइटर से संबंधित हमें ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो राइटर की एक या दो जो पॉपुलर क्रिएशंस है, पोएम्स है या नॉवेल्स है, उससे संबंधित, या उसकी लाइफ से संबंधित, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ से संबंधित क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं अपनी वीडियोस के अंदर ज़्यादातर राइटर्स को जो है नहीं, मतलब उनकी लाइफ बायोग्राफी से ज़्यादा संबंधित ज़्यादा क्वेश्चंस को नहीं रखता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की तरफ चलने से पहले, जैसा कि मैंने कमिटमेंट कर लिया था कि मैं वीडियो अब नहीं अपलोड करूँगा, लेकिन मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो मैं चलना चाहूँगा। एक तीन कमेंट्स हैं जो तीन हमारे साथी उन्होंने कमेंट्स किए, और तीन कमेंट्स से मैं जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, तो उनकी बदौलत जो है मैं आप दोबारा वीडियो लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं पहले आपको उन तीन कैंडिडेट्स के कमेंट्स दिखाना चाहूँगा और फिर हम वीडियो की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इन तीनों कमेंट्स को मैं 3-2-1 के ऑर्डर में पढ़ूँगा, और फ्रेंड्स ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप ये देखना कि कम से कम आपके कमेंट जो है यहाँ मुझे प्रभावित तो किया। तो पहला कमेंट था नंबर 3 पर, जिसको मैंने रखा शिखा श्रीवास्तव जी का, और इन्होंने लिखा है, थैंक यू सर, आपने हम सबकी बहुत साथ दिया और अच्छे से गाइड किया है। आप अपनी तबीयत ठीक कीजिए, लोगों का काम है कमी निकालना, निकाले दो, जिसके पास टैलेंट होता है उसकी कमी सब निकालते हैं। ओके सर, थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर। तो शिखा जी, मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत टैलेंटेड तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझसे बन रहा है मैं आप सबके लिए कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, नंबर 2 होगा कि ये मनोज कुमार जी हैं, और इन्होंने कहा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और लोगों के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, अच्छा या बुरा। अच्छे को सुनकर आगे बढ़िए और बुरे को सुनकर इम्प्रूव करते जाइए। एक दिन आप में कोई कमी नहीं बचेगी, जिस दिन आपने आप में कोई कमी नहीं बचेगी उस दिन जो है आप कमी निकालने वालों को ज़्यादा अच्छा मानेंगे। तो मनोज जी, आई एम सो इम्प्रेसिव दिस कमेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर मोटिवेट मी। और जो नंबर 1 कमेंट था फ्रेंड, जिसने मुझको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, एक शिक्षक के लिए वो उससे ज़्यादा क्या हो सकता है, कि इन्होंने लिखा है, वैसे तो अनुज कुमार सिंह जी जॉर्डन है ये, लेकिन इसमें शायद एक कमेंट जो है किसी गर्ल्स का है ये, कि सर प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाइए, प्लीज़ मैं तो किसी का फ़ोन मांगकर अपने नोट्स देखती हूँ, कि आपके नोट्स देखती हूँ और अडेप्ट हो गई हूँ नोट्स की, अपने नोट्स मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हैं, किसी के कहने से आप नोट्स बनाना बंद मत कीजिए, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। तो आप जो भी हैं, अनिल कुमार सिंह जी जैडॉन है या कोई भी हैं, इनका जो फ़ोन लेकर देखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तीनों की जो रिक्वेस्ट है उस पर मैं जो है दोबारा वीडियो को जो है शुरू कर रहा हूँ। और चलिए अब अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, और फटाफट जो टॉप 20 क्वेश्चन है प्रोस्पाइस से। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए अगर कोई प्रश्न आपको आएगा तो उसी टॉप 20 में से आएगा, बाकी आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्रोस्पाइस। तो पहला जो क्वेश्चन हमने बनाया है वो प्रोस्पाइस जो पोएम का टाइटल है हमारा, हमने उसी से क्रिएट किया है। तो प्रोस्पाइस का मीन्स होता है टू लुक फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा राइम स्कीम ऑफ द पोएम। तो फ्रेंड्स, पोएम की जो राइम स्कीम है, दिस इज ए शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट, और ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ ई एफ, जी 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 जी। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, थीम ऑफ द पोएम, कि जो प्रोस्पाइस हमारी पोएम है उसका थीम क्या है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो अगर हम देखें
तो एक नज़र देखने पर तो हमें तीनों ही इसके जो है एक्यूरेट लगते हैं, क्योंकि वो बहादुरी से डेथ के लिए जो स्ट्रगल करते हैं, सामना करते हैं, उसका फेस करते हैं और अपने आप को इंस्पायर भी करते हैं, और डरते तो खैर वो इन, लेकिन फिर भी जो है जो टॉप जो थीम है उनका फियर टू डेथ है। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, व्हेन डिड दिस पोएम वाज पब्लिश्ड? तो फ्रेंड दिस पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1864। आई होप ये क्वेश्चन तो आपको पहले से भी पता होगा। टू हाउ मेमोरी वाज दिस पोएम वाज रिटिन, कि किसकी, टू हाउ मेमोरी वाज दिस पोएम रिटिन, कि किसकी मेमोरी में उन्होंने जो है इस पोएम को लिखा है। तो जब उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की, तो उनकी याद में जो उन्होंने इस पोएम को लिखा है। 1861 में उनकी डेथ हुई थी और उसी समय जो है इन्होंने इस पोएम को लिखा है। तो प्रोस्पाइस इज रिटन इन द मंथ ऑफ, तो फ्रेंड्स अभी हमने ऊपर के क्वेश्चंस में बताया था कि 1861 में ऑटम का जो मौसम था उसमें उन्होंने लिखी थी। हाउ मेनी लाइन्स द पोएम कंसिस्ट, और बहुत ही छोटी सी हमारी पोएम है, 4 स्टेंजा हैं और प्रत्येक स्टेंजा में 7 लाइन्स हैं, तो दैट इज फ्रेंड तो 28 लाइन्स। व्हाट ऑफ द पोएम इज दिस, ये पोएम क्या है, इपिक है, सेटायर है और ऑटोबायोग्राफिकल है। तो फ्रेंड्स दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, व्हाट इज द डेथ ऑफ द पोइट, व्हाट इज द डेथ टू द पोइट, कि पोइट के लिए मृत्यु क्या है। तो ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एक मतलब भेष बदला हुआ जो आशीर्वाद है। हु इज डिटरमाइंड टू फाइट विद डेथ, डेथ के साथ में जो है फाइट करने के लिए कौन दृढ़ निश्चय किसने कर लिया, तो दैट इज ब्राउनिंग। क्वेश्चन नंबर 11 होगा, प्रोस्पाइस इज ए पोएम विच रिफ्लेक्ट्स द पोइट्स, तो ये यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, पोइट्स की स्पेलिंग, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, इसको आप सही कर लेना। तो ये दिखाता है फिलॉसफी ऑफ लाइफ, पोइट्स की जो फिलॉसफी है उसको दर्शाता है, जीवन का जो उसका दर्शन शास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 12 होगा, फ्रॉस्पाइस इज फर्स्ट पब्लिश इन अटलांटिक मंथली एंड लेटर इट इज इंक्लूडेड इन, जो पहली बार जो है अटलांटिक मंथली में पब्लिश हुई थी और उसके बाद में इसको जो है किस में शामिल कर लिया गया था, तो दैट इज ड्रामाटिस पेरसोन 1864 में। क्वेश्चन नंबर 13 होगा, टू द पॉइंट डेथ इज फ्रेंड बिकॉज इट विल टेक हिम टू गॉड्स किंगडम वेयर ही विल मीट, कि पॉइंट के लिए क्या है, डेथ जो है एक मित्र के समान है, क्योंकि वह उसको जो मृत्यु के मरने के बाद में गॉड का जो किंगडम है वहाँ ले जाएगी और वहाँ फ्रेंड्स उसकी मुलाकात जो है किससे होगी, तो उसकी मुलाकात होगी हिज बिलव्ड जो वाइफ हैं एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, उनसे होगी। क्वेश्चन नंबर 14 होगा, आई वॉज यूर फिंगर सो वन फाइट मोर द बेस्ट एंड लास्ट, कि जो यह जो पंक्तियाँ हैं कहाँ से ली गई हैं, तो फ्रेंड प्रोस्पाइस आई वुड हेट द डेथ बैंडेज माई आइज एंड फोर बोर, तो ये फ्रेंड्स ये लाइन भी कहाँ से, हमारी प्रोस्पाइस से हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 होगा, द टोन ऑफ द पोएम, जो पोएम है हमारी उसकी टोन क्या है फ्रेंड्स, तो उसकी टोन होगी, माफ़ कीजिएगा पोन कह रहा हूँ, तो टोन होगी उसकी ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि आशावादी टोन है उसकी। कभी हर बैड वर्स से वर्स सिचुएशन में भी जो है क्या है वो एक ऑप्टिमिस्टिक आशावादी वो बने रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 होगा, द वर्ड प्रोस्पाइस इज डेराइव्ड फ्रॉम, तो द वर्ड जो है फ्रेंड्स लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, और द फरेज ए पीस आउट ऑफ पेन अपीयर्स इन, तो एक फरेज है, इस तरह का क्वेश्चंस भी आपको आ सकता है, तो ये भी जो है प्रोस्पाइस से लिया गया है। और फ्रेंड्स द लास्ट एंड द बेस्ट फाइट ऑफ द पोइट विल बी विद द गॉड विद द डेथ या बोथ, तो जो लास्ट फाइट होगी उसकी तो वो कहता है डेथ के साथ होगी।
क्वेश्चन नंबर 20 होगा, व्हाट डज पोइट लाइक आफ्टर द डेथ, कि किस जो पोइट की जो डेथ है वो उसके किसके समान होगी, क्या होगा उसके बाद में। तो फ्रेंड्स दैट इज यूनियन ऑफ टू सॉल्स। तो दोस्तों ये आज के 20 क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बस यही कहेंगे कि वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि जिस तरह से आपको रिक्वायरमेंट है उसी तरह से उनको भी ज़रूरत है। और बहुत सारे फ्रेंड्स जैसे कि हमारे चैनल से भी नहीं जुड़े हुए होंगे तो वो भी जुड़ जाएंगे, और कोशिश करेंगे कि बचे हुए सिलेबस को भी जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। तो आपने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।